Now we'll discuss question number 2 from the unit 1, that is some basic concepts of chemistry. तो इसके numerical problem में ये दूसरा number problem है जिसको हम discuss करेंगे. So the question says like, calculate the mass percent of different elements present in sodium sulphate. तो sodium sulphate का molecular formula क्या होता है, Na2SO4, that is given here. हमें ये दे दिया गया है. अब किसी चीज़ का मास परसेंटेज निकालना है किसी एलिमेंट का, तो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है. अब हमेशा कोई भी सवाल लगाना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाना है, तो आप फंडामेंटल्स पे जाओ. मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा कि उस पूरे कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है. मीन्स मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड. तो क्या है आपको करना है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड. नॉर्मली जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वही लगाना है, इनटू 100. अब हमें निकालना है सोडियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है Na2SO4 में. तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं Na2SO4 का. तो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे सोडियम के दो एलिमेंट है, मतलब मीन्स 2 × सोडियम का जो आपका एटॉमिक मास है कितना है, 23, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास, एक सल्फर एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा सल्फर का, 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एलिमेंट है, 4 × 16. अभी इसको सॉल्व करो तो 23 × 2 जाएगा कितना, 46, प्लस 32 प्लस कितना जाएगा, 64, मीन्स 46 प्लस 32 प्लस 64, ये सबको सम करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 142. अब निकालना है परसेंटेज ऑफ सोडियम, एक एक करके निकाल लो परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना है. तो सोडियम का मास टोटल कितना है आप देखोगे यहाँ पे, तो सोडियम का मास आपको यहाँ पे मिलेगा, आप देखो 46 है, आपको कुछ नहीं करना है, 46 डिवाइड बाय 142 × 100, आंसर कितना आ गया, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आपको आंसर आएगा 32.39%. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ, अभी सल्फर निकालना है तो परसेंटेज ऑफ सल्फर आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, इसका मास कितना है सल्फर का, सल्फर का देखो आप यहाँ पे 32 है टोटल जो मास है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, दैट इज 142 × 100. अगेन इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितना आएगा, 22.535%. इन अ सिमिलर वे इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीजन का, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है उसमें, तो ये कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो ऑक्सीजन का कितना है, 4 एलिमेंट है, टोटल मास आप यहाँ पे निकालो आप 64 आया, दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 142 × 100. तो अगेन इसका जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, 45.07% सॉल्व करने पे. अब एक चीज़ देखो, जो ये परसेंटेज आया कंट्रीब्यूशन है, मीन्स और आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है इसको ये आंसर सही है कि नहीं, तो इन सारे का आप क्या कर लो, इसका इन सारे तीनों कंपाउंड का अगर आप सम करो और ये वैल्यू 100% आ जा रहा है, मतलब आपने आंसर क्वेश्चन सही सॉल्व किया, कि न्यूमेरिकल आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं किया है. तो एक अल्टरनेट मेथड हो गया इसको क्रॉस वेरीफाई करने का. दूसरा एक मेथड और है सॉल्व करने का, आपने दो सही कैलकुलेट कर लिया, मतलब मास ऑफ सोडियम निकाल लिया, मास ऑफ सल्फर निकाल लिया, तो 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड सल्फर निकाल लोगे तो ये क्या जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगा. तो देर आर वेज, मतलब आप कैसे अप्रोच करते हो सॉल्व लगाने का, बहुत सारे मेथड होते हैं और उसके क्रॉस वेरीफाई करने के भी मेथड्स होते हैं. तो आई थॉट टू शेयर विद यू. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूमेरिकल. थैंक यू सो मच.